Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. काफी एकदम ये टेंशन का माहौल है एकदम घर में, काफी कुछ चल रहा है, चाकू वाकू लेकर बाहर किया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है? बहुत सारी चीजें चल रही है घर में। मुझे पता चला है कि जो माया है वो माया नहीं है, वो कुकर्मी देवी है। सो मतलब वो कुछ जादू टोना कर रही है या कुछ तो कर रही है। सो और दूसरा, जब कुछ दरबार में सब लोग हम खड़े होते हैं तो वहाँ पर कोई दो लोग होते हैं जो ऐसे चाकू वाकू लेके एक दूसरे पे वार करते हैं और वो मेरी तरफ ठीक है। अच्छा, खाने में भी कुछ मिलाया जाता है जो देख लेती है दीवांशी? हाँ, खाने में एक्चुअली वो माया ने कुछ तो मिलाया हुआ होता है, तो मुझे एक्चुअली ऐसा डाउट जाता है, इसीलिए मैं चाची जी को रोक लेती हूँ खाने से। अच्छा, साथ ही साथ में एक किताब भी मिली है कुछ, वो भी पता है आपको? अरे बाप रे। हाँ जी, मैं मंदिर के नीचे जाती हूँ, वहाँ पर मुझे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ खंडर है और कुछ मिल सकता है मुझे, तो मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ पर मुझे एक बहुत ही पुरानी फटी फाटी हालत में एक किताब मिलती है, जिसमें लिखा है संस्कृत में, बट वहाँ पर बाऊजी ने, ईश्वर बाऊजी ने वहाँ पर कुछ लिखा होता है। सो मुझे उससे पता चलता है कि वो उन्होंने लिखी हुई किताब है, सो मे बी इट कैन हेल्प मी, तो बस मैं वो किताब लेके चली जाती हूँ। अच्छा, काफ़ी आप धमकी वमकी भी देती हैं माया वाया को एकदम, कुकर्मी देवी को, कि काफ़ी प्लान व्लान फेल कर देगी, क्या लगता है इतना आसान है? इट्स नॉट ईजी आई नो, बट जब जितना देवांशी ने चीज़ों को देखा है उससे एटलीस्ट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा होता है, जो बुरे होते हैं उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल जाती है। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस है और शायद अब जो एक नई देवांशी है, लाइक जो जिस तरह से उसने सब कुछ सह के अपने आप को चेंज किया, आई थिंक शी इज़ क्वाइट मोर कॉन्फिडेंट एंड फ्यूरियस।